सो हे गाइस, दिस इज रजत फसल हियर फ्रॉम पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज है ऑटो कैड की थर्ड क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स और लिमिट्स के बारे में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, लाइन कमांड के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ जाके देखो। आज है ऑटो कैड की तीसरी क्लास, मतलब आज के क्लास में बात होने वाली है यूनिट्स के बारे में, लिमिट्स के बारे में। यूनिट किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ऑटो कैड के अंदर, लिमिट किस तरह से सेट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग यूनिट्स और लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिट्स और लिमिट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स का टॉपिक लेके चलते हैं कि यूनिट आखिर है क्या। बेसिकली यूनिट का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, अगर हम रियल लाइफ में भी बात करें, चाहे साइट पे जा रहे हो या कोई भी मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो या फिर बना रहे हो, तो उसके अंदर हम एक मेजरमेंट देते हैं, यानी कि हम डिफाइन करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका भी एक प्रॉपर स्केल तो होता है, तो उसी स्केल को हम लोग यूनिट का नाम देते हैं। यूनिट्स बेसिकली इसलिए दी जाते हैं ताकि हमें पता रहे कि कितनी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, क्या उसकी थिकनेस है, क्यों क्या उसकी विड्थ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और ऑटो कैड के अंदर भी यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले यूनिट को ही देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट कितने टाइप की है, मैं ऑटो कैड के अकॉर्डिंग बात नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग वैसे लेके चलते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट्स आपकी दो टाइप्स की आती हैं, एक आती है आपकी इम्पीरियल यूनिट और दूसरी आती है आपकी मैट्रिक यूनिट। इम्पीरियल और मैट्रिक में बहुत फ़र्क है। इम्पीरियल यूनिट के अंदर आपकी फिट और इंचेस आते हैं, मैट्रिक यूनिट के अंदर आते हैं आपके एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। नाम से पता लग रहा है कि मैट्रिक यूनिट है ये। तो ये आपके यूनिट का एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो। अब आते हैं ऑटो कैड के अंदर आप यूनिट किस तरह से डालोगे। तो जो यूनिट की कमांड आती है उसको हम लोग बोलते हैं UN Enter। तो जब आप UN एंटर करोगे तो यहाँ पे सामने आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यानी कि डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेंथ आ रहा है। इस लेंथ के अंदर आपके पास एक टाइप दिया हुआ है, एक प्रिसीजन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टाइप में जाते हैं कि यूनिट्स में, मतलब ऑटो कैड के अंदर कितने टाइप्स की यूनिट दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 5 तरीके की दी हुई है यूनिट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इन्हीं तीनों के अंदर काम होता है। पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा क्या है। सबसे पहले आता है आर्किटेक्चर, इसके बाद डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और आपका आता है साइंटिफिक। सबसे पहले आर्किटेक्चर को लेकर चलते हैं। आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो भी आपका फिट इंचेस का काम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ज़्यादातर काम आपका फिट इंचेस में होता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे वो इंजीनियर हो। तो वो कोई भी काम देखेगा तो वो फिट इंचेस में ही देखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आर्किटेक्चरल के अंदर आप फिट इंचेस में आप देख सकते हो कि जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, यानी कि 0 फिट 0 1 बाय 16 इंच, यानी कि आपका जो फ्रैक्शंस में आएगी ये वैल्यू फिट इंचेस की। ठीक है, ये आपका आर्किटेक्चर था। इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जब आप अगर आप मीटर एमएम में काम कर रहे हो, जैसे कि मैकेनिकल और सिविल में भी एमएम में काम होता है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो जैसे कि अगर आप मैकेनिकल से हो या फिर कोई पार्ट्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो जो मेजरमेंट आप सबसे मिनिमम लेके चलते हो तो वो एमएम ही होती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लेके चलते हो। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल था। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हम तभी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल तो आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो आपकी मान लो वॉल की जो विड्थ है, फॉर एग्जांपल जो वॉल की लेंथ आ रही है
वो 6 फिट 1 सही 1/2 आ रही है, मतलब इतना कुछ करके वैल्यू आ रही है, और सामने वाले को वो वैल्यू ठीक से पता नहीं लग रही, तो इसलिए हम इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। और इंजीनियरिंग में काम करना थोड़ा इजी भी हो जाता है, आप पॉइंट्स में भी शो कर सकते हैं। तो ये आपका इंजीनियरिंग था। इसके बाद आता है फ्रैक्शंस में। ये फ्रैक्शंस और साइंटिफिक यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। फ्रैक्शंस आपका यहाँ पे इस तरह से वैल्यू शो होगा, जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन वाले में, इसके अंदर वैल्यू आपकी फ्रैक्शंस में शो होगी। अब आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या होता है कि ये बेसिकली आपका जो ऑनलाइन मैप पे जो काम होता है, जैसे कि वह आपको लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड पता करना है, जैसे अगर आप गूगल मैप्स के थ्रू कर रहे हो या गूगल अर्थ का यूज़ कर रहे हो, उस पे जो कोऑर्डिनेट्स उठाए जाते हैं ना, तो वो उस पे साइंटिफिक पे उठाए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइंटिफिक सेट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही आएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका इसमें टाइप में था। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे डेसिमल सेट कर देते हैं। इसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का यूज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो प्रिसीजन का यूज़ बेसिकली एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपकी वॉल की, अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं 50 सेट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग में चेंज किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट्स के पास 0 आ रहा है आपका, इससे यह पता लगता है कि इतनी जीरोज आ रही हैं। अब ये जीरोज देखने का क्या क्या रीज़न है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 10 फिट 6 इंच.45 इंच लेके चल रहे हो, ठीक है, जैसे 10 फिट 6.45 इंच लेके चल रहे हो, और आपने अगर प्रिसीजन इतना सेट किया हुआ है, तो चांसेस यही है कि आपके पास वो आपको कितना दिखाएगा, 10 फिट 6 इंच दिखाएगा, 6.45 इंच नहीं दिखाएगा वहाँ पे वो। क्यों? क्योंकि हमने प्रिसीजन सेट नहीं किया है यहाँ पे। सेम ऐसे अगर आप MM में काम कर रहे हो, मान लो जैसे कि आपने कोई लाइन बनाई, आप 100.25 सेंटीमीटर की कोई एक लाइन बना रहे हो, और आपने यहाँ से, जैसे मैं डेसिमल में चेंज कर देता हूँ, अगर मान लो 100.25 लेके चल रहे हो, तो आप इतना प्रिसीजन सेट कर दोगे तो वो वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इस तरीके से सेट किया हुआ है, तो वो 100 सेंटीमीटर ही दिखाएगा। यहाँ पे एक्यूरेसी के चांस इतने नहीं होंगे। तो ये आपका लेंथ में आता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ये नॉर्मली सेट कर देता हूँ। अब आते हैं नीचे इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल का मतलब यही है, मैंने बताया ना, यूनिट बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपका, जैसे यहाँ पे यूनिट लेस दिया हुआ है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं किसी यूनिट पे काम ना करूँ, तो आप यूनिट लेस रख सकते हो। इसके बाद आता है इंचेस, फिट, US सर्वे, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये आपका इंसर्शन स्केल होता है। मैं आपको एक, अगर मुझे एडवाइस करना हो, तो जब भी आप ड्राइंग बना रहे हो, तो आप सबसे मिनिमम यूनिट लेके चलो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, तो जो मिनिमम जो यूनिट होती है, जो मिनिमम यूनिट हम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंपीरियल में काम कर रहे हो, तो आपकी जो मिनिमम यूनिट यूज़ हो, मिनिमम जो यूनिट है वो होगी आपके इंचेस, ना कि फिट। और अगर आप MM जैसे मैट्रिक यूनिट पे काम कर रहे हो, तो आपकी जो यूनिट की जो चॉइस होनी चाहिए वो आपकी MM होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी की चांसेस ज़्यादा होते हैं और बेटर एक्यूरेसी और बेटर ड्राइंग बन के आती है आपकी। तो ये आपका सिंपली इंसर्शन स्केल था। इसके बाद आते हैं यहाँ पे एंगल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल्स काफ़ी तरीके के दिए हुए हैं, जैसे कि डेसिमल, डिग्रीज दिया हुआ है। इसके बाद आता है डिग्री, मिनट, सेकंड। ये बेसिकली आपका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, डिग्री मिनट सेकंड में। जैसे कि कई बार क्या होता है कि इतने डिग्री डिग्री के ऊपर फिर कितना मिनट और सेकंड वो दिखाना हो, ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी किलोमीटर पर सेकेंड की हमें वैल्यू निकालनी हो। इसके बाद आता है ग्रेडियंट्स, और फिर रेडियंट्स आता है आपका सर्वे यूनिट्स आता है। जैसे अगर आप सर्वे कर रहे हो कहीं पर भी, तो वो सर्वे यूनिट यूज़ होती है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेसिमल डिग्री ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपको क्लॉकवाइज का मतलब पता है, जैसे घड़ी घूमती है तो वो क्लॉकवाइज घूमती है, आपको पता होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, वो चीज़ें उल्टी घूमने लग जाती हैं। इसके अंदर क्या है कि चीज़ें, क्या जो एंगल बनता है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अगर आप क्लॉकवाइज कर दोगे, तो जो जैसे कि अगर आपका 90 डिग्री बनता है वाई एक्सिस में, मतलब पॉजिटिव में, तो वो नीचे की तरफ, अगर आपने क्लॉकवाइज कर दिया तो वो नीचे की तरफ बनेगा। जहाँ पे 270 डिग्री का एंगल आएगा ना, वहाँ पे आपका बनेगा 90 डिग्री, ठीक है।
ये आपका क्लॉकवाइज था। इसके बाद आता है लाइटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइटिंग का दिया हुआ है। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब आप ऑटोकैड 3D पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर आप लाइटिंग देना चाहो तो आप दे सकते हो वहाँ पे। इसके लिए आप यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक आता है आपका अमेरिकन, एक आता है आपका इंटरनेशनल। आपको जो भी चॉइस रखनी है वो आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्शन। अगर अब मैं बात करूं, जैसे कि डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको जो एंगल स्टार्ट होगा वो किस तरह से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको ईस्ट। अगर आप चाह रहे हो कि मैं नॉर्थ डिग्री में रखना चाहता हूँ, जो 20 एंगल है आपका वो मैं नॉर्थ पे रखना चाहता हूँ, तो आप नॉर्थ पे रख सकते हो और नॉर्थ पे ही आपका स्टार्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सो मैंने यहाँ पे एल एंटर किया। हम सभी लोगों ने रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लगाया एट द रेट। पहले तो मैं यहाँ पे 0,0 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने किया 0,0 एंटर। इसके बाद मैंने डाला एट द रेट 50 लेस देन 0। तो अब देखो यहाँ पे लाइन जा कहाँ रही है। देखा, हमारी लाइन जा रही है नाइन वाई एक्सिस पे। अब तुम कहोगे कि हम ये वाई एक्सिस में क्यों जा रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने जो बेस एंगल दिया था वो 90 पे दिया था, इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। वरना ज़्यादातर आपकी लाइंस किस तरफ बनती है, एक्स एक्सिस के ऊपर बनती है, क्योंकि आप बेस लाइन वहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ईस्ट में दिया हुआ है। हमने जो बेस एंगल सेट किया था यूनिट में वो क्या था, नॉर्थ पे। तो इस तरह से आपका लाइन बनती है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यूनिट्स में जाके वापस से हम लोग डायरेक्शन ईस्ट में रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से कर लेते हैं इसको इंजीनियरिंग में, ठीक है, और कर लेते हैं इसको इंचेस में। प्रिसीजन में यहाँ पे मैं इतना ही रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। तो इसके अंदर एक और मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, वो आता है ऑर्थो मोड। मैंने पिछली बार ऑर्थो मोड का यूज़ किया था बट बताया नहीं ऑर्थो मोड क्या होता है। बेसिकली सिंपल है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए, यानी कि ऑर्थो मोड क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द स्ट्रेट लाइन पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ से एल एंटर किया, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे लाइन सीधी मिले, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑर्थो मोड, ठीक है। आप F8 का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जब आप लाइन कमांड यूज़ करोगे तो आपकी जो ये लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। इससे आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है आप सिंपली बना सकते हो। तो ये छोटा सा एक ऑर्थो मोड का टॉपिक था, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लिख लीजिएगा F8। तक मैंने आपको जितना भी समझाया यूनिट के बारे में वो काफ़ी ज़रूरी था। अब यूनिट्स में हम लोग कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे मैंने UN एंटर किया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन एक और आता है यहाँ पे हेल्प का। हेल्प आप तब यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए, आप यूनिट के अलावा और भी चीज़ देखना चाहते हो। यहाँ पे सिंपली क्लिक करो तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल रखा है, यहाँ पे आपको यूनिट्स के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे आपको, ठीक है, आप देख सकते हो। ये आपका सिंपली यूनिट्स का टॉपिक था। यूनिट किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से यूनिट पे काम होता है। अब मैं आपको चलो एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मैंने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यूनिट हमारी 15 इंचज़ में है या नहीं। तो ये है हमारे पास 15 इंचज़ में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया 9 इंच। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप 15 इंचज़ में काम करो तो कॉमास लगाना मत भूलना, वरना कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 15 इंचज़ में सेट तो कर देते हैं पर वो कॉमास नहीं लगाते। सिंगल कॉमा क्या होता है आपका, फिट होता है, और डबल कॉमा आपका इंचीज होता है। ये चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, ड्राइंग करने से पहले जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो उससे पहले यूनिट ज़रूर सेट कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आप एक एज अ बिगिनर हो तो कई बार आपसे ये गलती ज़रूर होती होगी कि आप यूनिट, अगर आप ऑक्टोकैड पे काम कर भी रहे हो तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूनिट सेट नहीं करते,
और वो फिटेजिस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सिविल इंजीनियर है तो वो फिटेजिस में काम करना चाहता है, अब वो उसने ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाने की कोशिश की बट वो उसे बनी ही नहीं, वो फिर मान लो जैसे 9 इंच की वॉल लेनी है तो उसने उसके अंदर 9 इंच तो डाल दिया लेकिन वो उसमें शो नहीं हो रहा। कई बार वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने वहाँ पे यूनिट सेट नहीं किए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेट द यूनिट फर्स्ट और उसके बाद ही आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली मैं एक रूम बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 10 फिट और उसके बाद लिया मैंने यहाँ पे 9 इंच, ठीक है। मैं आपको जैसे एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह से आप यूनिट पे काम करते हो। मैंने लिया 10 फिट, इसके बाद लिया मैंने 9 इंच, ठीक है, 9 इंच, 10 फिट, 9 इंच, 9 इंच। तो ठीक है, इसके बाद मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जैसे एन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूनिट पे आप किस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉल बना ली है, अब मैं इसकी डायमेंशन कर देता हूँ। रुकिए पर मैं इसकी डायमेंशन कर देता हूँ। मैं गया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में, यहाँ पे मैं गया यूनिट्स के अंदर, यहाँ पे आके मैंने चेंज किया इसको इंजीनियरिंग में, ओके किया यहाँ पे, सेट करंट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया स्मार्ट, ठीक है। देख सकते हो आप जो हमने सेट किया था ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 10 फिट की हमने वॉल ली थी वो शो हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से आप यूनिट्स के ऊपर काम करोगे। फिलहाल हम डायमेंशन के ऊपर भी बात करेंगे लेकिन ये आने वाली क्लासेस में होगा, सो डोंट वरी, यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके आने वाले क्लासेस में मैं आपको डायमेंशन के बारे में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि यूनिट्स के ऊपर किस तरह से काम होता है, और यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेट कर लीजिएगा। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू मेकिंग अ ड्राइंग और एनी, मतलब अगर आप ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, कोई भी प्लान ड्राफ्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको ड्राफ्ट कर रहे हो, आप एलिवेशंस बना रहे हो, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस बना रहे हो किसी भी पार्ट का, तो सेट द यूनिट फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका यूनिट का एक एग्जाम्पल था, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो अभी के लिए ये यहाँ पे यूनिट यूनिट का टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म। अब आता है दूसरा टॉपिक यानी कि लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब आप समझ ही सकते हो कि हम कोई चीज़ लिमिट, मतलब हम लिमिट में सेट करके दे रहे हैं। लिमिट का मतलब ही क्या होता है, एक सीमा होती है। अब लिमिट्स का यूज़ क्या है इस ऑटोकैड पे, देखो अगर आप देखोगे इस पेज को ऑटोकैड के, जैसे ये आपको ग्रिड्स दिख रही है, जो ये हमारा पेज है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब इतना, मतलब ये अनलिमिटेड है, मतलब इफ आई से इन अ टेक्निकल टर्म तो इट्स इनफाइनाइट। इस पेज का कोई अंत नहीं है, आप जितनी भी ड्राइंग्स बनाना चाहो इसमें बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि, मैं ये चाहता हूँ कि सर मेरे को तो लिमिट में काम करना है, मैं नहीं चाहता कि ये उसमें ज़्यादा बड़ा ड्राइंग बन जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोजेक्ट हैवी हो जाए, तो उसके लिए हम लोग लिमिट सेट करते हैं। मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता हूँ, यूनिट मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको सेट किया डेसिमल में, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आता है लिमिट किस तरह से ऑटोकैड पे सेट की जाती है। देखो मैंने किया यहाँ पे एल एंटर, सॉरी एल एंटर नहीं, लिमिट की जो कमांड आती है वो होती है LIM Enter, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो है आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर का मतलब क्या है कि जो सबसे पहला जो आपका लोअर लेफ्ट जो कॉर्नर होता है रेक्टेंगल का, वो मतलब लिमिट का, वो शो करना है। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया और उसके बाद किया दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई, ठीक है।
आपकी लिमिट सेट हो चुकी है। अब मान लो हम लोग कुछ भी बना के देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे और तो ऑफ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बनाते चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हम लोगों ने तो यूनिट लिमिट सेट की थी, लेकिन ये फिर भी हम इस पे काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट को ऑन नहीं किया था। लिमिट को ऑन करने के लिए LIM एंटर करें, और यहाँ पे जो ऑप्शन आता है उसको कर दे ऑन, ठीक है। जब आप ऑन ऑन करोगे तो आप काम तो कर रहे हैं इस पे। अब देखो, अब यहाँ पे आते के साथ ही यहाँ पे अभी चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ और थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे LIM एंटर दोबारा से करता हूँ, मैं लिमिट को करता हूँ ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ड्राइंग शीट्स होती हैं, आप सबको पता ही होगा ड्राइंग शीट होती हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को A0 में काम करना है, तो मैं यहाँ पे L एंटर करता हूँ और A0 का साइज दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या और तो ऑन, A0 का साइज कितना होता है, 841, 841 बाई 1189, ठीक है। ये आपका एस्केप नहीं होगा, ये एक सेकेंड, तो ये आपका एक साइज है, ये आपका A0 का साइज लिया मैंने, ये पोर्ट्रेट में है, हम इसको लैंडस्केप में कर लेंगे अभी। तो ये हमने एक A0 पेज का एक साइज लिया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इस पेज के अंदर ही काम करना है, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे सेट कर दो लिमिट, ये मैंने लिमिट सेट किया। यहाँ पे स्पेसिफाई किया मैंने लोअर लेफ्ट कॉर्नर, फिर स्पेसिफाई किया अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। आपकी लिमिट सेट हो गई। अब दोबारा से लिमिट में जाओ और यहाँ पे कर दो लिमिट ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी बना लो, मैं यहाँ पे कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। ये हमने कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी बना, हम बनाते जा रहे हैं यहाँ पे, मैं और तो ऑफ कर देता हूँ। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं। अब देखो, बाहर क्लिक किया, अब काम नहीं हो रहा। अब चीज़ें देखो अच्छे से स्पेसिफाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे कि हमने स्पेसिफाई कर तो कर दिया पेज को, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि लिमिट कहाँ तक है। तो हम बाहर क्लिक किए जा रहे हैं, क्लिक किए जा रहे हैं, बाहर काम नहीं हो रहा। जैसे हम लिमिट को ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया लिमिट को ऑफ, तो अब आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये आप ये हमने लिमिट को ऑफ कर दिया और आपका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका लिमिट और यूनिट का टॉपिक। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी है, लिमिट और टॉपिक दोनों ही थोड़े इजी से टॉपिक, इजी टॉपिक ज़रूर हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इन दोनों ही लिमिट्स और यूनिट्स की आप प्रैक्टिस करिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी जा के देख सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, PTS CAD एक्सपर्ट को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन, दिस इज रजत फसल हियर सेइंग गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।